आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के पक्ष में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिले बिजनौर की नेटौर विधानसभा से सुरक्षित विधानसभा से तीसरी बार चुन करके आया हूं। मैं अपनी विधानसभा के सभी विधानसभा वासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार मुझ पर भरोसा रख करके मुझे यहां भेजने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे पे आशीर्वाद दिया और दोबारा से तिवारा से मुझे यहां भेजने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भाई जो इस तरह बैठे हुए हैं, इन्होंने चुनाव प्रचार में ये बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आएगी इस प्रदेश के अंदर में तो संविधान को खत्म करने का काम करेगी, प्रमोशन को खत्म करने का काम करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी बनने का काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उन पे जो ये अत्याचार करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा लोकसभा के अंदर में जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल था उसको किसने फाड़ा, उसको इन लोगों ने फाड़ करके बेल के अंदर जाकर लोकसभा के अंदर में उसकी पुर्चिया बना करके बखेरने का काम किया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात करने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ इन्होंने क्या किया है। ऐसा पाप आज तक किसी ने नहीं किया। जो भाई हमारा SDM था उसको इन्होंने तहसीलदार बना दिया, जो भाई हमारा दरोगा था उसको इन्होंने सिपाही बना दिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात करते हैं बाबा साहब की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो घर में पहुंचा और बच्चों ने उससे पूछा कि पापा आपके स्टार कहाँ गए, पापा आपके स्टार कहाँ चले गए, तो बच्चों को रोते रोते बता रहा था कि बेटा मेरे समाजवादी पार्टी की सरकार वालों ने मेरे स्टार उतार दिए। जो SDM समाज के अंदर में उसकी इज्जत हुआ करती थी, उसको सब लोग SDM कहते थे, उसको इन्होंने तहसीलदार बना दिया। उसके घर पे क्या गुजरी है, उसके समाज में क्या गुजरी है, ये बाबा साहब की बात करने का काम करते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की इन्होंने चुनाव के अंदर में गुमराह करने का काम किया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है आपने देखा चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। अरे गरीब घर के अंदर, दलितों के घर के अंदर अगर किसी ने शौचालय देने का काम किया है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया है। अगर गरीब के घर में बिजली देने का काम किया है, गरीब के घर में बल्ब जलाने का काम किया है तो आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। ये बात करते हैं बिजली के बिल की, अरे पहले तो बिजली आती नहीं थी और बिल आ जाता था, अब कम से कम बिल तो आ रहा है लेकिन बिजली भी साथ साथ में आ रही है, 24 घंटे बिजली आप लोगों को दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारे इस विधानसभा के अंदर में नेटौर में बिना जाति धर्म के, बिना भेदभाव के सबको आवास दिए गए। आज सब गरीब के घर पे अगर छत मिल रही है तो आपको परेशानी हो रही है, आपको तो इसका खुश होना चाहिए कि बिना भेदभाव के सारे कार्य को किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कानून 2012 से 2017 तक कानून व्यवस्था किस तरह की थी। पूरे प्रदेश के अंदर में गुंडा राज कायम था। जब रोड पे साइकिल लेकर के कोई व्यक्ति निकल जाता था और उसका पहिया किसी से टकरा जाता था, उस व्यक्ति की वहीं पे घेर करके पिटाई किया जाता था। आपको मैं बताना चाहता हूँ योगी जी की सरकार के अंदर आदरणीय अध्यक्ष जी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी के प्लॉट को कब्जा ले, कोई किसी दलित पे अत्याचार कर दे। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि सीखना चाहिए आपको योगी जी से किस तरह से प्रदेश के अंदर में आज कानून का राज है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने आदरणीय योगी जी को जिन्होंने दंगों के प्रदेश को आज समाप्त करने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में मैं चुनाव लड़ाने भी जाता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर प्रदेश के अंदर में
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया जाता है, उनको प्रेम से पुकारा जाता है। और भारत ही नहीं, आज विश्व के अंदर में भी योगी जी ने अपना नाम ऊंचा करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरे विधानसभा के अंदर में बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, आज मेरी विधानसभा के अंदर में करीबन 1.5 करोड़ से ऊपर के लागत से GGIC इंटर कॉलेज बनने का काम हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। आप किसी भी विद्यालय में जाकर के देख लीजिए किस तरह की बिल्डिंग है, हर तरह पे बिजली की व्यवस्था है, फर्नीचर की व्यवस्था है, और साथ साथ में आज हर जगह अध्यापक मौजूद है। और इनकी सरकार में क्या हुआ करता था कि जूते मिल गए तो मौजे नहीं मिले, और मौजे मिल गए तो बैग नहीं मिला। आज पूरी की पूरी व्यवस्था हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस जिले से आता हूँ, बिजनौर से, वहां पे रात को डॉक्टर नहीं मिला करता था। अगर रात को कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें उसको मेरठ लेकर के जाना पड़ता था। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने राज के मेडिकल कॉलेज देने का काम बिजनौर को किया है। 300 करोड़ रुपए की लागत से 600 बीघे जमीन के अंदर में आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज हमें चिंता नहीं होगी कि हमें कहाँ जाना है, नोएडा जाना है या दिल्ली जाना है, अब हमारे जिले के अंदर में ही उसका इलाज होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब वहां से राज के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निकलेंगे MBBS बन के, वो भी धन्यवाद करेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने राज के मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पे पंचतीर्थ बनाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है। जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ पे बाबा साहब की मृत्यु हुई, और जहाँ पे रहकर के बाबा साहब ने पढ़ाई करी, ऐसे 5 तीर्थों को चुनने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चलिए धन्यवाद, फिर बाद में बताइएगा। ब्रजेश कटेरिया नहीं हो गया, नहीं ब्रजेश कटेरिया जी बोलिए।